मैं सब जानती हूँ कि किस तरीके से तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अभी मेहरा का नाम हटाकर आलिया मेहरा लिखवा ली। जो बात मुझे पता है वो मुझे दोबारा क्यों बता रही? सबको पता है ये बात कि मैंने भाई का नाम बदलकर अपना नाम डाल दिया है उसमें। लेकिन स्वीरा, तुम रियलाइज नहीं कर रही हो कि क्राइम तभी क्राइम होता है जब वो प्रूव हो सके। कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम साबित ही नहीं कर पाओगी इनका नाम हटाकर मैंने अपना नाम डाला है। अब देखो ना, जब तुम इस घर में वापस आई थी और तुमने सब कुछ अपने नाम कर लिया था, तब हमारे पास कोई सबूत नहीं था तुम्हें झूठा साबित करने के लिए। और आज तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है मुझे झूठा साबित करने के लिए। हाँ, उस टाइम पर तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखाकर भाई से सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, और आज मैंने ओवर स्मार्टनेस दिखाकर भाई से सब कुछ जो तुम्हारा हुआ था वो अब अपने नाम कर लिया। एक्चुअली वेरी सिंपल, क्या होता है ना आलिया, जो शतरंज के खेल में खेल शुरू होने से पहले खुद को विनर मानने लगते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें सामने वाले की अगली चाल का अंदाजा होता है ना अपनी बेवकूफी का। तुम इस घर की बॉस नहीं, मेरी चाल में सिर्फ एक मोहरा बन के रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो सिंपल ही है, लेकिन कमजोर आईक्यू वालों की प्रॉब्लम यही होती कि उन्हें हर बात शुरू से समझानी पड़ती। खैर लो सुन लो, मुझे हमेशा से पता था कि तुम अंदर ही अंदर अपने भाई को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही। मैं यूं ही आकर सबसे ये बात कहती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, तुम्हारा अपना भाई यकीन नहीं करता। इसलिए मैंने जानबूझकर उन पेपर्स को उस शू रैक में रखा था जहां से तुमने उन्हें चुराया। और फिर तुम्हारे हिसाब से तुमने बड़ी चालाकी दिखाई, जाकर वहां पर अभी मेहरा का नाम बदलकर आलिया मेहरा लिखवा लिया, और मेरे लिए आसान हो गया तुम्हारी धोखेबाजी को सबके सामने लाना। मैंने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया था उसमें तुम बड़ी आसानी से फंस गए। You know what? Fantastic story. कहानी बहुत बढ़िया बनाई तुमने। टीचर थी ना तुम? कहानी तो तुमने बहुत बढ़िया सुनाई। I hope you do realize कि इस कहानी का क्लाइमैक्स थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। देखो शायद तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी मूवी तभी हिट होती है जब उसका क्लाइमैक्स स्ट्रांग होता है। तुम्हारे तो क्लाइमैक्स में बिल्कुल भी दम ही नहीं। तुम ये साबित कैसे करोगी कि मैंने भाई का नाम चेंज करके अपना नाम डाला? कोई सबूत नहीं है तो फिर? मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। अभी मेरी स्टोरी का क्लाइमैक्स हुआ नहीं। रॉनी, उन दोनों को बुला कर ला। क्या हुआ? अब तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? अब आगे की कहानी तुम सुनाओगी या मैं? कि ये दोनों हैं कौन? मुझे नहीं पता कि ये कौन है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता हो ना हो कि ये दोनों कौन है, ये जानते हैं कि तुम कौन हो। शायद तुम्हें याद नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। ये ओरिजिनल पेपर्स की फोटो, ये तुम्हारी फोटो जब तुम इन दोनों से मिली, और ये फोटो जब तुम इन्हें पेपर्स दिखा रही थी।
ये फोटो, जब तुम इन्हें बता रही थी कि इन्हें इन पेपर्स पे अभी मेहरा का नाम हटाकर आलिया मेहरा लिखवाना, अब भी क्लाइमैक्स नहीं अच्छा लगा हो तो मेरे पास वीडियो क्लिप्स भी है, वो भी जहाँ पे तुम उन पेपर्स को शुरैक से चुरा रही हो, और वो भी जब खुद अपने मुंह से तुम इन दोनों को अपनी सारी प्लानिंग एक्सप्लेन कर रही हो। अब कैसा लगा मेरी स्टोरी का क्लाइमैक्स आलिया? खत्म हो गए तुम्हारे सबूत। कोई बात नहीं, पूरब के पास इन पिक्चर्स की और भी कॉपी है। तुमने मेरा साथ देने के बजाय इसका साथ दिया। किस मुंह से पूछ रही हो तुम? और तुमने खुद क्या किया? तुम्हारे अपने भाई को, मेरे दोस्त को तुमने इतना बड़ा धोखा दिया, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें सिंपैथी दिखाऊंगा? हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे, नफरत है तुमसे, तुम्हारे नाम से। तुम किसी रिश्ते के लायक ही नहीं हो। कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमेशा मेरा सब कुछ छीना है, पहले मेरा पूरा मुझसे छीना, और अब मेरी फैमिली, मेरा घर, ये सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी? नहीं, तुम नहीं बचोगी, बिकॉज अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें कुछ भी कहना, तुमसे शिकायत करना, तुम्हें सजा देना, सब बेकार है। क्योंकि इस सब का तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। अरे सुधरते वो लोग हैं ना जो बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुम शुरुआत से ही ऐसी ही हो। तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी फितरत ही खराब है। धोखा देना ना तुम्हारी फितरत में है। जिंदगी में तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिला, लेकिन दूसरे का हक छीनने में तुम्हें मजा आता है ना आलिया। हर बार मैंने तुम्हें माफ किया ना, लेकिन मेरी माफी को तुमने मेरी कमजोरी बना दी। और ये हरकत करके ना तुमने अपनी आखिरी माफी का भी मौका खो दिया है। मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि तुमने कभी भी इस रिश्ते को माना ही नहीं। लेकिन आज के बाद मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। So.
सॉरी मॉम, सॉरी डैड, मैं आपकी बेटी और अपनी अपनी सो कॉल्ड बहन को एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया। मैं इसे माफ नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। डैड ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी ना, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। लेकिन एक जिम्मेदारी है जिसे जिसे अब मैं पूरा करूंगा। हेलो कमिश्नर साहब, क्या आप अपनी टीम को मेरे घर भेज सकते हैं? इट्स अर्जेंट। आज एक भाई हार गया दादी, आलिया ने जो कुछ भी किया है ना, उसमें गलती मेरी ही है। कितना इतराता था मैं अपनी परवरिश पर, लेकिन मैं उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाया दादी। मॉम डैड के संस्कार नहीं दे पाए मैं उसे। पता है दादी, सजा अगर किसी को मिलनी चाहिए ना, तो मुझे मिलनी चाहिए। आज से पहले मॉम डैड मुझसे कितना प्राउड फील किया करते थे, लेकिन उन पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने ही अपने अपने छोटी बहन को जेल भिजवा दिया। ऐसा मत सोच ऐसा। तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, परवरिश लेने में ही अगर कमी हो तो कोई क्या कर सकता है। तेरे मामा वो दोनों बहुत अच्छे थे बेटा, और तू उन्हीं पे गया है बेटा। बचपन से ही इसका स्वभाव बिल्कुल अलग ही रहा। तू दिल पे कुछ मत ले। आज अगर तेरे माँ बाप जिंदा होते ना, वो भी वही करते जो तूने किया है बेटा। प्यार और भरोसा, यही तो परिवार की बुनियाद होती है। आलिया ने वो बुनियाद तोड़ दी है बेटा। इतनी सजा तो उसको मिलनी जरूरी थी। क्या पता बेटा, ये सजा के बाद उसको प्यार और परिवार की अहमियत का पता चल जाए। दादी ठीक कह रही है अभी। आलिया ने हमेशा तेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा, कभी वैल्यू नहीं किया तुझे, तेरे प्यार को, अपने भाई को। तू खुद को क्यों ब्लेम कर? तूने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। इनफैक्ट हमें तो प्रज्ञा दी को थैंक्स कहना चाहिए। अभी अगर आज वो टाइम पे आलिया की सच्चाई ना बताती तो आगे जाके तो आलिया पता नहीं क्या क्या करती।
थैंक यू। मेरा दिमाग तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है कि तुमने घर में छुपे दुश्मन को बाहर निकाला, लेकिन मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि जिस तरह आलिया ने धोखे से साइन लेकर सब कुछ अपने नाम पर कर लिया, तुमने भी तो वही किया ना। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लेकिन मुझे तो हर्ट किया ना। एक तरफ मेरी बहन जिसे मैंने पाल पोस कर पढ़ा किया, और दूसरी तरफ मेरी बीवी जिससे मैंने बेहद प्यार किया था। ऐसा नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई आपके सामने लाना चाहती थी। अगर सच्चाई सामने ही लानी थी तो मुझे हर्ट क्यों किया? तुमने यही तरीका क्यों चुना जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे? तुम मेरे साथ रहकर भी तो आलिया की सच्चाई सामने ला सकती थी ना। गलत समझ रहे हैं मैं बस। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे गलत साबित करो। मैं गलत साबित होना चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी फुकी मेरे पास आ जाए। अभी नहीं, क्योंकि ये सही वक्त नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? पहले मुझे उस इंसान को ढूंढना है जिसने मुझे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। वो जो कोई भी है वो इसी घर का है, और उसे ढूंढने के लिए मुझे पैसे और पावर दोनों की जरूरत है। अभी तक मैं ये भी पता नहीं लगा पाई कि वो इंसान कौन था जो आलिया की मदद कर रहा था, और वो कौन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। इस घर के जितने गुनहगार हैं उनके खिलाफ मेरे पास कई सबूत हैं, लेकिन मैं अभी उनका गुनाह साबित नहीं कर सकती। एक बार मैं पूरे यकीन के साथ उन सब का नाम आपके सामने ले आऊं, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगी। झूठ बोल रही है अभी। ये ना तो इस प्रॉपर्टी को छोड़ना चाहती और ना ही तुम्हें, क्योंकि तुम तो इसके लिए पैसे छपने की मशीन हो ना, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बना रही है अभी। वरना से पूछो, इस घर में ऐसा है ही कौन जो इसे मारना चाहता है? और वैसे भी इससे ज्यादा इस घर में चालाक कोई है ही नहीं। मैं बताना भूल गई कि वो इंसान इस घर का नहीं बाहर का भी हो सकता है, जैसे कि तुम। ओ हेलो, तुम कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाओ। हाँ, लेकिन मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। अभी तुम इसकी बातें मत सुना, कि फिर से कोई नया गेम खेल रही, नया नाटक कर रही है। और इसी ने कहा ना कि इसने आलिया के लिए जाल बिछाया था, तो पूछो इससे, अगर ये सब कुछ जानती थी तो इसने पहले दिन पे ही हम सबको सच क्यों नहीं बताया? इसके ड्रामे की वजह से दादी की तबीयत खराब हो गई, और अगर सच में दादी को कुछ हो जाता तो? पूछो इससे अभी, इसने ऐसा क्यों किया? पूछो इससे। अगर तुम्हें सब पता था, तुम सब जानती थी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स का, जो रात को आने वाली थी। मुझे लगा एक बार रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मुझे गुनहगार का पता चल जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि दादी की तबीयत यूं अचानक खराब हो जाएगी। रिपोर्ट्स में किसी की फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं की। मुझे लगा था कि फिंगरप्रिंट शायद आलिया से मैच करे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मिला वो इंसान जिसकी वजह से आज फुटबॉल। लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, और उसे ढूंढने के लिए मुझे पहले उस डेकोरेटर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो ही मुझे उस आखिरी कड़ी तक पहुंचा सकता। My fault. क्या हुआ? चैलेंज हार गए इसलिए इतना बुरा लग रहा है? देखो, प्री-प्लान्ड गेम को चैलेंज नहीं कहते। तुमने मेरे कहने पे कुछ नहीं किया, तुमने पहले से ही सब कुछ कर रखा था, बस मेरे सामने एक्टिंग करी थी। मजा आता है क्या मेरे साथ ये सब कुछ करके? मैं बस कुछ चेक करना चाहती थी। क्या चेक करना चाहती थी? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, तुम्हें समझने की जरूरत पड़ती है। तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों? तुम मेरी तरह सीधी क्यों नहीं हो सकती? तुम बोलती कुछ हो, करती कुछ हो। कुछ बातें आसानी से समझ में नहीं आती, सीधी बातों के लिए टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता। अपनी बकवास फिलॉसफी अपने पास ही रखो, सीधी बातों के लिए सीधा रास्ता ही होना चाहिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये नाटक नहीं करती, सबूत इकट्ठा नहीं करती, तो आप मेरी बात पर यकीन कर लेते? बिना किसी सबूत के मैं आपके सामने आती, कहती आलिया ये सब करने की कोशिश कर रही है, और आपको भरोसा हो जाता? यही है ना आपका सीधा रास्ता?
मैं अभी आपको कहती हूँ कि इस घर में और भी लोग हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी सबूत के मैं उन्हें आपके सामने खड़ा करती हूँ, आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे? दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप समझते, इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने दुनिया को समझ लिया। वैसे भी आपकी और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है। प्लीज इस सबको मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सारा सच आपके सामने आ जाएगा, वो भी सीधे तरीके से।